ने थायराइड प्रॉब्लम्स की बात की। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इंडियन थायराइड सोसाइटी के मुताबिक देश में करीब 20-30% लोग थायराइड की किसी ना किसी समस्या के शिकार हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो थायराइड की प्रॉब्लम के शिकार हैं। जैसे आपके पास भी पीजीआई में पेशेंट्स आते रहते हैं, तो उनमें से ज्यादातर पेशेंट किस तरह के होते हैं, जो शुरुआती अवस्था में आते हैं या फिर जो लोग बहुत देर बाद आते हैं, काफी आगे तक पहुंच चुकी होती है स्टेज? ज़्यादातर पेशेंट शुरुआती अवस्था में आते हैं, स्पेशली बिकॉज नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन स्टेटस अच्छा है, लोगों को अवेयरनेस भी है, फैसिलिटीज भी हैं और रिलेटिवली दे आर वेल, वो लोग क्या फाइनेंशियली भी ठीक हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स इनिशियल अवस्था में आते हैं, बट रेयरली कुछ पेशेंट बहुत लेट में भी आते हैं। तो दोनों तरह से, खास तौर पर रूरल एरियाज के लोग जिन्हें पता नहीं होता सिम्टम्स के बारे में या थायराइड की प्रॉब्लम्स के। हाँ जी, तो उस तरह के दोनों तरह से होते हैं पेशेंट, पर ज्यादातर लोग इनिशियल स्टेज में ही आते हैं। जी, जांच कैसे की जाती है थायराइड की? जांच के लिए सिंपल है, इसमें एक थायराइड ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, और आम भाषा में लोग बाग T3 T4 TSH भी बोलते हैं, कभी कभी लोग गलती से T3 T4 T5 भी बोलते हैं, पर वो TSH है। और एक सिंगल टेस्ट अगर करने के लिए बताएं तो TSH का टेस्ट करने से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके आगे फिर सब्सिक्वेंटली जो भी जरूरत है वो टेस्ट कर सकते हैं। दूसरे टेस्टों में जैसे कभी थायराइड का अल्ट्रासाउंड करने का जरूरत पड़ सकता है, और कभी कभी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन का पता करने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट से कुछ टेस्ट होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। बट सबसे कॉमन टेस्ट जो थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसको वो सफिशिएंट होता है ज्यादातर केसेस में डायग्नोसिस बनाने के लिए। जी, इलाज कैसे किया जाता है? आपने कई प्रॉब्लम्स बताई थायराइड से जुड़ी, जैसे हाइपोथायरायडिज्म बताई आपने, हाइपरथायरायडिज्म बताई, नोड्यूल्स की बताई, तो इनका इलाज कैसे किया जाता है अलग अलग तरीके से? इलाज के लिए, थायराइड प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। जी, अगर हाइपोथायरायडिज्म है तो हाइपोथायरायडिज्म जो सबसे कॉमन बीमारी है। हाँ जी, और मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को यहाँ पे कि अगर भगवान आपको बोले कि आपको एक बीमारी देना है जी, तो आप बोल दीजिए कि मुझे हाइपोथायरायडिज्म दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो ट्रीट करना सबसे आसान है। हाँ जी, और उसका जो दवाई है वो भी बड़ा सस्ता है। जी, यानी डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, मतलब इलाज है, इलाज है, इलाज करना जरूरी है, और इलाज है और सस्ता है और आसान है। हाँ जी, तो जो थायराइड ग्लैंड हाइपोथायरायडिज्म की बीमारी होती है उसमें एक थायराइड हार्मोन मार्केट में अवेलेबल होता है टेबलेट फॉर्म्स में। हाँ जी, वो टेबलेट सुबह एक लेना है, पर उसमें ध्यान रखना है कि भूखे पेट वो टेबलेट लेना होता है। अच्छा, भूखे पेट लेना है? भूखे पेट लेना है, और एक घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। हाँ जी, और उसके बाद में टाइम से टाइम अपने डॉक्टर को दिखाना, टेस्ट कराना, एक बार जब डोज सेटल हो जाता है तो फिर उसके बाद में वो काफी देर बाद भी दिखा सकते हैं, 6 महीने साल भर में भी दिखा सकते हैं। जी, और हाइपरथायरायडिज्म में जो दूसरा दवाई होता है जिसको कार्बिमेजोल बोलते हैं या प्रोपाइल थायरोसिल बोलते हैं, वो दवाई उनको दी जाती, पेशेंट को लेनी होती है जी, वो भी एम्प्टी स्टोमक की लेनी होती है, और वो दवाई बेसिकली आपका थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को कम कर देती है, बंद करती है। तो हाइपरथायरायडिज्म कब तक खानी होती है? हाइपोथायरायडिज्म के लिए दवाइयां जनरली लाइफ लॉन्ग होती जनरली। हाँ जी, और हाइपरथायरायडिज्म के लिए 2-3 साल तो लेना ही पड़ता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि लेना है या नहीं लेना है। वो डॉक्टर बताएंगे। इसके अलावा आपने बताया नोड्यूल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, नोड्यूल्स की प्रॉब्लम के लिए अगर उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक FNAC करके टेस्ट बोलते हैं, उसमें एक सुई लगा के टुकड़ा ले लेते हैं। हाँ जी, अगर वो बिनाइन है, मतलब कैंसर जैसा नहीं है, तो उसके बाद डरने का कोई जरूरत नहीं है, उसको 1 साल बाद फिर से एक FNAC करके देख सकते हैं। यानी शुरुआत में वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं, तो शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर FNAC करना जरूरी है क्योंकि उसमें कोई तरह का कैंसर भी हो सकता है, तो अगर कैंसर है तो उसका सर्जरी करना है, अगर बिनाइन डिजीज है, कैंसर नहीं है, तो उसको हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जी, आपने बताया दवाइयों का जिक्र किया, तो दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? ऐसे दवाइयों कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं होता है इन जनरल, बहुत ही अनकॉमन और रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। जी, तो मैं यही कह सकता हूँ कि दवाइयों के इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जी, तो इसलिए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर अगर कोई पर्टिकुलर दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब इसका कोई स्पेशल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमेशा हम हमारी ओपीडी में जो भी पेशेंट को लिखते हैं हम समझा देते हैं कि ये प्रॉब्लम होने का संभावना है, तो अगर कुछ ऐसा है तो आप आके बताइए, नहीं है तो फिर ठीक है दवाई लेते हैं। वैसे तो दवाइयां खाने से ही काम चल जाता है, लेकिन सर्जरी की नौबत कब आती है? सर्जरी की नौबत स्पेशली 2 कंडीशन में आती है, अगर या तो आपका मैलिग्नेंसी आता है, कैंसर होता है, तो उस टाइम में सर्जरी करना है, और दूसरा है कि अगर ये साइज ग्लैंड का काफी बढ़ गया है, और काफी साइज बढ़ने की वजह से अगर आपको खाना पीना निकलने में कोई परेशानी हो रही है,
या सांस लेने में कोई परेशानी हो रही तो उस केस में हम सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। एक बार सर्जरी करवा ली तो उसके बाद दोबारा थायराइड की कुछ प्रॉब्लम, डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉब्लम थी। अगर जैसे कैंसर का प्रॉब्लम होता है जनरली पूरा थायराइड ग्लैंड निकाल देते हैं तो संभावना कम होती है, बट फिर भी अगर वो ऑलरेडी कैंसर दूसरी जगह गया हुआ है या बहुत ही छोटा था उस टाइम में जब आपने सर्जरी करा और रह गया तो उसका वापस होने का संभावना होता है, बट ऐसा कम होता है। जी, सर्जरी की बात की हमने, सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सर्जरी के इन जनरल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका सर्जन कितना एक्सपर्ट है, सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है इस तरह की सर्जरी करने में। एक्सपर्ट सर्जन जो जिसको एक्सपीरियंस है वो उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट लेस देन 0.5% या उससे भी कम होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? जनरल जो कॉम्प्लिकेशन होता है बिकॉज यहाँ पे जो नर्व्स थायराइड ग्लैंड के अंदर से निकलती है वो आपकी वॉइस को रेगुलेट करने वाली नर्व्स होती है, अगर उनको कोई इंजरी हो जाए तो आपकी वॉइस को प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हॉर्सनेस हो सकती है, जनरली टेम्पररी होती है फिर से ठीक हो जाती है ज्यादातर केसेस में, बट अगर नर्व को पूरा ही कट गया है तो फिर उस केस में प्रॉब्लम होने का संभावना रहती है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, बहुत ही अनकॉमन है। जी डॉक्टर भडाडा, हमने थायराइड के इलाज पर बातचीत की, अब हम बात करेंगे, लोगों में एक धारणा है आम कि थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा उम्र के लोगों में ही होती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक ये धारणा ठीक नहीं है, थायराइड का प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकता है। थायराइड का प्रॉब्लम जन्म के टाइम पे भी हो सकता है जी, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो भी बढ़ता है, बट जनरली जो हम लोग ज्यादातर केसेस देखते हैं वो स्पेशली फीमेल्स में वो 20-40 इयर्स के एज में ज्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं, बट ये किसी भी एज में हो सकता है, जन्म के टाइम बच्चों से भी हो सकता है, जन्म के टाइम पे भी हो सकती है। जन्म के टाइम के स्पेसिफिक सिम्टम्स जो होते हैं जैसे बच्चा दूध नहीं पीता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या बच्चा सुस्त रह रहा है, बहुत कम रो रहा है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो बचपन में उस टाइम सस्पेक्ट करना चाहिए। जी, यानी किस एज ग्रुप में चेकअप करा लेना चाहिए, कितने छोटे बच्चों में चेक करवाया जा सकता है, टेस्ट करवाया जा सकता है? ऐसा है कि टेस्ट करने का एसएच कहीं पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है इंडिया में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, और तो वहां पे जन्म के टाइम पे हॉस्पिटल में ही बच्चे का टेस्ट कर लेते हैं ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है, बिकॉज थायराइड हार्मोन ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है और हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ में मैक्सिमम ब्रेन डेवलप होता है, मे बी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 95% और 99%, तो अगर उस टाइम में अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो डेवलपमेंट पर असर हो सकता है। इसके अलावा तो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस और भी, तो अगर अफोर्डेबिलिटी है तो थायराइड हार्मोन का टेस्ट जन्म के टाइम पे करने में कोई बुराई नहीं है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बच्चों में? एक तो डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, उनका ग्रोथ नहीं होता है, या उनको जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो डिले हो सकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, ऐसे होने में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है पर ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है। थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं? हाँ, ऐसा है, अभी ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर ये कहते हैं, कह रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, बिकॉज मदर के थायराइड हार्मोन लेवल्स के ऊपर में बच्चे का डेवलपमेंट डिपेंड करता है, तो अगर मदर को डेफिशिएंसी है तो बच्चे पे असर आ सकता है, इसलिए हर प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन का टेस्ट करा लेना चाहिए। उसमें कोई किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? बच्चे में डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स जो आती है डिलीवरी के बाद या जो भी है न्यू बॉर्न में, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो ठीक नहीं हो सकता है या उनका IQ कम हो सकता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इंडियन थायराइड सोसाइटी के मुताबिक अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की जांच ना की जाए तो इसकी वजह से महिला का अबॉर्शन भी हो सकता है, तो मतलब कहाँ तक ये ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थोड़ा है? ऐसा है कि संभावना है कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी होने का चांस भी कम हो जाता है, तो प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी का कॉज भी हो सकता है थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी होना और दूसरा अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी तो जैसे मैंने बताया कि होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है कि मिसकैरेजेस भी कॉमन होते हैं अगर थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी है तो। तीसरा है कि जो फ्लूइड होता है मदर के यूट्रस में उसके
उसका भी लेवल चेंज हो सकता है जी। या प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है जी। ये इस तरह की कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स। हाइपरथायरॉइडिज्म की अगर प्रॉब्लम है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाइपरथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे के अंदर गोइटर हो सकता है बड़ा, उसकी वजह से उसको डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है जी। डिलीवरी के टाइम पे बहुत ही अनकॉमन है लेकिन। और अगर थायराइड हार्मोन का हाइपरथायरॉइडिज्म है प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे का वजन कम हो सकता है, वजन कम हो सकता है बच्चे का, बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। डेफिनेटली जी। अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या बच्चे पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। आमतौर पर ये धारणा रहती है महिलाओं में, इसलिए वो जांच करना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट करना चाहिए, चाहे वो हाइपोथायरॉइडिज्म हो चाहे वो हाइपरथायरॉइडिज्म हो, बच्चे के लिए फायदेमंद है जी। और एक और धारणा है लोगों में ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर महिलाओं में, कि अगर थायराइड की समस्या है माँ को तो वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, उससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? वो 100% करा सकते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है जी। हमारी एक दर्शक हैं लावण्या गुप्ता हैं पटियाला से, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। वो जानना चाहती है, उन्हें हाइपोथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम है और इसकी वजह से काफी वेट गेन भी हुआ है, तो वो क्या जिम जाकर एक्सरसाइज कर सकती हैं? उनकी उम्र है 25 साल, उनकी हाइट है 5'4" और उनका जो वजन है वो है 72 किलो, तो जानना चाहती है कि वो जिम जाकर किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकती है? नहीं, अगर उनका थायराइड हार्मोन लेवल, अगर ट्रीटमेंट ले रही है ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिम जाके कोई भी टाइप का एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ लोगों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक्सरसाइज के टाइम, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, अगर थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल नहीं है तो आई थिंक बेटर होगा कि नॉर्मल करके फिर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं या जो भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जी। थायराइड की समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो ही ना? अगर जेनेटिक है तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन बाहरी रूप से बचने के लिए, बाहरी रूप से बचने के लिए एक तो है कि इन जनरल जैसे कि हमारा गवर्नमेंट का प्लान है कि एवरीवन शुड गेट दी आयोडाइज सॉल्ट, जो भी टाटा का नमक या जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो लेना चाहिए जी। और आयोडाइज सॉल्ट भी प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए उसको जी। और फ्रेश पैकिंग होना चाहिए जी। और आयोडीन अच्छा पहुंचे उसके लिए नमक खाना पकने के बाद डालना चाहिए जी। पकने के टाइम पे नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उसमें से आयोडीन निकल जाता है जी। तो आपको आयोडीन सफिशिएंट डाइट लेना चाहिए जी। और ऐसा नहीं कि आप आयोडीन सिरप पीने लग जाएं या उस तरह से नहीं लेना है, लेकिन जो रिकमेंडेड आयोडीन का अमाउंट है जी। वो लेना है जी। और वो डे टू डे एक्टिविटी में हम जितना सॉल्ट लेते हैं जी। उससे हमारी रिक्वायरमेंट कम्प्लीट हो जाती है जी। तो कितना लेना चाहिए? 5 ग्राम सॉल्ट, 5 to 7 ग्राम सॉल्ट सफिशिएंट होता है पर डे आपकी आयोडीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जी। लोग जंक फूड भी खाते हैं तो वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा जंक फूड है तो नमक तो है इसमें, तो वो कितना फायदेमंद है वो वाला नमक? वो जैसे मैंने आपको बताया कि इन जनरल इंडियन ट्रेडिशनली हम नमक काफी ज्यादा खाते हैं जी। तो अगर नमक कुकिंग के टाइम पे डालते हैं, अगर जितना आयोडीन निकल जाता है उसके बाद भी जितना आयोडीन सफिशिएंट हो जाता है, बट प्रेफरेबली ये कि आप कुक करने के बाद में आयोडीन डालें, नमक डालें तो बेटर होगा जी। यानी आयोडीन युक्त खाना खाना चाहिए, इससे इससे कहीं ना कहीं थायराइड की समस्या से बचा जा सकता है। डॉक्टर भड़ाडा, आपका हेल्थ टाइम में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। उम्मीद करते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम्स और उनके इलाज के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@jnnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 01725043734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।